मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी उन सभी मतदाताओं को बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ जो भरी गर्मी के अंदर जिन्होंने अपना मतदान किया। मेरा मुद्दा केवल एक है, इस भरी गर्मी 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर मतदाता मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए गया, जब वहां देखा कि उसकी वोट कटी हुई है तो वो बहुत दुखी हुआ। इस विषय को हमने डीएम साउथ वेस्ट कापाछेड़ा से इस बारे में बातचीत की। हमारा केवल एक ही कहना है कि दिल्ली चुनाव आयोग के द्वारा दिल्ली में हजारों लोगों के वोट काटे गए, जिनके वोट काटे गए उनका आधार बताया जाए। जैसा कि मैं आपकी जानकारी में दूं, ये जो पत्र मेरे द्वारा डीएम साउथ वेस्ट को लिखा गया और उनसे बात करने के बाद उन्होंने मुझे एक बात की एश्योरेंस दी कि जिन्होंने भी ये गलत कार्य किया है उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। एक तरफ तो चुनाव आयोग लोगों को प्रेरित करता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालें, दूसरी तरफ मतदाता इस भरी गर्मी के अंदर वोट डालने के लिए गया लेकिन उसका वोट कटा हुआ था। आपको जानकर अचंभा होगा, ये जो आंकड़ा मेरे द्वारा दिया गया, इस आंकड़ों में एक बात नोट करिए आप ध्यान से। आप देख रहे होंगे कि उत्तम सिंह रावत जी, जिनकी वोट बनी हुई है, उनके पुत्र विजय रावत की वोट बनी हुई है, लेकिन उनके उत्तम सिंह रावत जी की धर्मपत्नी, उनका वोट कटा हुआ है। क्यों? यदि कारण था तो चारों के वोट कटने चाहिए थे। नीचे लेवल पे देखिएगा, बिटिया जिसकी अभी शादी नहीं हुई, जो फर्स्ट टाइम वोटर है, उसने वोट बनवाया, मम्मी पापा का वोट है उसका वोट काट दिया गया। ऊपर देखिएगा कि पत्नी का वोट कटा है, पति का वोट है। मेरा केवल एक कारण है, कहना है आपके इस चैनल के माध्यम से कि आप जब वोट काटते हैं तो फार्म नंबर 7 भरते हैं। फार्म नंबर 7 जो भरता है उस पोलिंग स्टेशन का बीएलओ भरता है, और बीएलओ जो फार्म भर देता है फार्म नंबर 7, तो वो एआरओ को देता है। एआरओ जो होता है वो एक लेटर लिखता है रजिस्टर्ड एडी के माध्यम से, जिसका वोट काटा जाना है उसके एड्रेस पे वो लेटर जाता है और उस पर यह कहा जाता है कि क्यों ना आपकी वोट काट दी जाए, आप 9 दिन के अंदर हमें जवाब दें। लेकिन जब वो 9 दिन के अंदर जवाब नहीं देता तो उसका वोट काटना बनता है। मैं तो केवल इतना जानना चाहता हूं, क्या आपने जिसका वोट काटा है कोई लेटर उसको रजिस्टर्ड एडी के रूप में दिया? नहीं दिया तो वोट उसका कटा क्यों? और ये वोट अभी 15 महीने पहले ही बने थे। और ये जो आंगनबाड़ी केंद्र है ये दिल्ली सरकार के अधीन आता है। मैं तो दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी से भी अनुरोध करूंगा हाथ जोड़कर कि इन पर भी जिन्होंने ये गलत कार्य किया है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि आने वाले भविष्य में कोई भी मतदाता, चाहे वो किसी भी पार्टी को वोट देना चाहता हो, वोट देना उसका विशेषाधिकार है, वोट देने से वंचित न रह पाए। इसलिए मैं इस कार्य को डीएम से करने के बाद, लेटर लिखने के बाद कोर्ट में भी जाऊंगा, और कोर्ट में जाने के बाद एआरओ और बीएलओ के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के लिए भी जिलाधीश से भी अनुरोध करूंगा कि ये मतदाता के साथ एक इनजस्टिस हुआ है।